बेटे बादा, थोड़ा बिजी। मेरी बात सुन। हाँ बोल। मुझे हाँ, बहुत जोर की भूख लगी है। ब्रेकफास्ट कर लें? करना है? चलो ना, मैं आज ब्रेकफास्ट करके नहीं आई। यार मैं भी आज करके नहीं आई। अरे किसी को टिकट विकट लेना तो नहीं रह गया भाई? जिसने भी नहीं लिया है वो ले लो। क्या लेकर आई है आज? मैं आलू पराठा। अच्छा? तुम क्या लेकर आई हो? मैं ब्रेड जैम। ओ वाह, तू? अरे उससे भी पूछ ले। हाँ? तो बता सीरत, कैसी रही कल की मीटिंग? तुम्हें कैसे पता चल गया? हाँ कैसे पता चला? ये लो, ऐसी बातें कभी छिपती है क्या? हाँ हुई कि ना? इतनी जल्दी क्या है, हम पहली बार ही तो मिले हैं। लड़का तो अच्छा है ना? अभी कुछ नहीं बोल सकती। अच्छा जीजा जी भी देखने आए थे क्या? मुझसे तो ना फोटो दिखाकर ही हाँ करवा ली थी। शादी की पहली रात को पता चला कि फोटो में और रियल में कितना फर्क है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बेटा। वाहेगुरु। हाँ भाई, किसी को उतरना है यहाँ? अभी दादी आ गई। देखो देखो दादी, ध्यान से चढ़ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते दादी जी। नमस्ते। नमस्ते दादी जी। नमस्ते बेटा, बहुत खूबसूरत लग रही है बेटा, क्या बात है? हाँ ये लीजिए। अपनी दादी को नहीं बताएगी? कुछ नहीं दादी जी। अरे बताना। कुछ नहीं। कुछ तो बात है, शर्मा मत। ले प्रसाद, ले ले बेटी। हम तो किस्मत वाले हैं दादी जी, जो रोज सवेरे सवेरे आपके हाथों से प्रसाद मिल जाता है। हाँ बेटी, मैं भी बहुत किस्मत वाली हूँ, सवेरे सवेरे वाहेगुरु के दर्शन हो जाते हैं और तुम जैसे बच्चों से बातें भी कर लेती हूँ। ये लो। ले बेटी प्रसाद, दे दे सबको। शाबाश। ये लो पकड़ो। आपको पता है दादी जी, हाँ? जब मैंने भाभी को बताया कि रोज मुझे दादी प्रसाद देती है, हाँ? तो उनको बहुत खुशी हुई, इसलिए उन्होंने आपके लिए स्पेशल पराठे भेजे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ले। अरे ये तो देसी घी के पराठे हैं बेटी। हाँ दादी। मैं ना तेरे घर आऊंगी। हाँ। तेरे भाभी से मिलूंगी, तू ना मेरी तरफ से उनको सत श्री अकाल बोल देना। जी दादी। ठीक है? और तेरी शादी ब्याह की बात चली कि नहीं? बाद में सब बताऊंगी दादी जी। तभी तो इतनी प्यारी लग रही है, बता भी। आज नहीं दादी जी, आज सिर्फ देखने आए थे। जब कुछ होगा तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी प्यारी बच्ची। बस आ गई। स्टॉप द बस। स्टॉप द बस। बस जल्दी कर भाई। कौन है? पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। ये भी सुबह सुबह पी के आ गया। चलो जी। हाँ भाई, टिकट लो और साइड पे खड़े हो जाओ। तुम बैंक होके घर जाना। अरे टिकट लो भाई। अरे तुम्ही से कह रहा हूँ, टिकट ले लो। अरे तुझी से ही बात कर रहा हूँ, टिकट ले ले। चल पैसे निकाल। ये लो टिकट। अरे ये क्या है? टिकट। अरे मेरा मतलब ये कल की टिकट है। तो बस भी तो कल वाली है। पैसे निकाल, टिकट ले और पीछे जा। ये ले भाई। ले। अब मैं 500 का छुट्टा कहाँ से लेके आऊँ? अरे तो पास बना दे। अरे पास डिपो पे बनता है, यहाँ नहीं बनता है। तो बस डिपो लेकर चलो। ए, ये घर की बस नहीं है कि जहाँ दिल करे वहाँ मोड़ दी? सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर, चल पैसे निकाल। Excuse me. देखो तो इसे। Not touching. I'm from Canada. Bestie. NRI की bestie. शर्मा। अरे जल्दी से पैसे निकाल। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से पी के आ गया। पी के आ गया? मैं थोड़ी ना पीता। अच्छा, तू नहीं पीता? ये पीता। मैंने तो कभी नहीं पिया। दूध पी के नहीं आया तू? दूध तो पिया है। देखा पी के आया ना? अरे भाई तू पहले पीछे चल, सुनाई नहीं देता तुझे? उससे कहा ना पीछे चल, टिकट लेके जा। तुम्हें तो कह रहे थे कि टिकट ले लो टिकट ले लो, मुझे नहीं चाहिए। पागल खाने से भाग के आया है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। यू सी मैडम जी, कितना बैड वर्ड्स बोल रहा है ये। क्या बकवास कर रहा है, मैडम जी को बीच में क्यों ला रहा है? एक्सक्यूज मी, मैडम तक नहीं पहुंचना। अरे बेटा
क्यों सवेरे सवेरे लड़ रहे हो? जाने दे, छोड़ दादी, मैंने कहा कुछ कहा? पता नहीं सवेरे सवेरे कहाँ से पी के आ गया। मैंने तो सिर्फ टिकट मांगा, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं बेटा, चल छोड़ बेटा, रहने दे, जाने दे इसको। इसकी वजह से सारी सवारियाँ कितनी दुखी हो रही है। बेस्ती? आज दादी की वजह से छोड़ रहा हूँ, तुझे जाना कहाँ है? गोंड कला। अरे वो तो दो स्टॉप पीछे चला गया। तो बस पीछे मोड़ ले। कौन के नीचे बजाऊंगा? तू मुझे क्या मारेगा? मुफ्त खोर बोल रहा है। नहीं नहीं बेटा, ये ले पैसे और इसको टिकट दे दे और इस बेचारे को यहीं उतार दे। ये पकड़ टिकट ले, जा चल उतर। उतर चल उतर पहले। अरे जल्दी उतर, चल उतर। ओ भाई जरा बस रोक देना, चल कल से दूसरी बस में जाना, समझा? बेइज्जती, एनआरआई की बेइज्जती, नॉट टॉलरेट। व्हाट इज दिस ड्राइडे? आई एम कमिंग, वेटिंग। भाई हेलो, भाई चलो भाई, आ जाओ, उतरो दादी। हाँ, लास्ट स्टॉप आ गया। बेटा आगे पीछे देखकर सड़क पार करना, बहुत भीड़ है। आप भी ध्यान से करना। चलती हूँ। नमस्ते दादी जी। नमस्ते बेटा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, कैसी हैं आप? तुम कौन? लैला कौर। हाय, मैं मर जाऊं। कितनी बड़ी हो गई है, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। ना कोई फोन, ना खबर, कब आई इंडिया? मुझे तो लगता है पूरे 5 साल बाद आई है। हाँ, ऑलमोस्ट 5 साल। ये बताइए, मेरा सरप्राइज कैसा लगा? तू और तेरे सरप्राइजेस हमेशा अच्छे रहते हैं। और सुना, अकेली आए है कि डैडी भी आए हैं? हाँ, डैडी भी आए हैं। हाय, बहुत अच्छा किया। अच्छा, मैं जब से आई हूँ तब से सोनू दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है? हाय, मैं उसे ट्यूशन से लेने ही जा रही थी, बस अभी आई। सुन, सीरत ऊपर छत पे है। अच्छा, सीरत ऊपर? हाँ, जाके मिल ले उसे। हाँ, जा जा। इसे क्या हो गया? उसका नाम हैप्पी है। ओह गॉड, सीरियसली? हाँ। मुझे ये बता, तुझे प्यार व्यार हुआ या नहीं? प्यार तो नहीं हुआ, पर यस, एक लड़का देखा है। सीरियसली? कौन है, कहाँ रहता है, नाम क्या है? तू एक दिन पहले आती तो तू भी देख लेती। अच्छा, इसका मतलब तुझे पसंद है? पता नहीं। बोल ना। पता नहीं, बता ना। अच्छा, उसकी फोटो देखा? नहीं। Show me his picture, okay? दिखाना फोटो प्लीज। ओके ओके, एक मिनट। ओह वाओ, यस। लड़का तो प्यारा है। नाम क्या है? सतनाम सिंह। अच्छा, करता क्या है? डॉक्टर है, कनाडा में। आर यू सीरियस? डॉक्टर है वो भी कनाडा में? ये हुई ना बात। अब तू भी कनाडा में और मैं भी कनाडा में। मेरी छोड़, अपनी बता। अच्छा, तुम्हें कोई लड़का पसंद आया? क्या हुआ? मुझे ना तुझसे बात ही नहीं करनी। तूने कहा था ना हम साथ में शादी करेंगे, और तू अकेले ही कर रही है। चल, तेरे लिए भी सतनाम जैसा लड़का ढूंढ लेंगे।
हाँ सच्ची, इसका मतलब सतनाम तुझे पसंद है? क्या हो गया? पता नहीं क्या कर रही है। ये सारा कुछ वो जानवी करवा रही है। छोड़ूंगा नहीं उसे, मार डालूंगा। समझती क्या है खुद को? ये वो मैटर नहीं है। आगे क्या करना है, किस तरह से करना है, वो मुझ पर छोड़ दे। डैड, आई नो द कंप्लीट सीन। मुझे सिर्फ एक दिन का टाइम दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। यू जस्ट साइन द डॉक्यूमेंट्स, इज दैट क्लियर? एक दिन का टाइम और। साइन द डॉक्यूमेंट्स। चरण स्पर्श अंकल जी। मैं लेकर आता हूँ सर, मैं ले आता हूँ। रंजीत को जानवी से दूर रखना है। जी सर। कुछ पूछेगा तो बहाना बना देना, समझ गया? जी सर, समझ गया। गुड। कोई कॉल आ रही है, लव लिखा हुआ है। लव कौन है भाई? दोबारा फोन को हाथ मत लगाना। सॉरी भाई, पर ये नया अट्रैक्शन कौन है? है नया नहीं है, बहुत पुराना है। पुराना है? हाँ। और अब तक मुझसे छुपा कर रखा हुआ है। क्या सीन है भाई? अब मैं तुझे अपनी चड्डी का भी रंग दिखाऊं? सॉरी भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। पता कर जानवी कहां मिलेगी। कौन जानवी? भाई सिंह साहब की बेटी। अच्छा, पता नहीं भाई, फेसबुक पे तो उसका स्टेटस आउट ऑफ इंडिया का है। अच्छा, हाँ। ये सब चोचले हैं, चोचले। जल्द से जल्द उसका पता लगा, सबक सिखाना है उसे, समझ गया ना? यार चौराहे पे आज कोई लड़की नजर नहीं आ रही है। एक तो नजर आ जाए। अरे चल भाई, हम लेट हो जाएंगे। चल। ओए, 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 नहीं होंगे। ओए, दिख गई यार, दिख गई। चल चल चल, दिख गई लड़की, दिख गई। एक काम कर। क्या? दो पैकेट सिगरेट ले गया। ठीक है, साफ कर लेना इसे। मालब्रो? हाँ। भाई साहब हरियाणा जाने के लिए इधर से जाएंगे? सीधा ही है जी। ठीक है। जिसको उतरना है वो आगे आ जाओ भाई। आ,
क्या हुआ? क्या बात है यार, उस लड़की को देख रहे तू? कमाल है यार, उसने दिमाग खराब कर दिया यार। भाई ऐसा आखिर क्या उसमें? बहुत कुछ है यार, उसकी आंखें, उसके बाल, उसके गाल, उसकी कमर। यार क्या चीज थी यार, बॉडी में आग लगा दी यार। जरा फोन चेक कर भाई। क्या बात है, कमाल है। और देखो और देखो। और फोटो मास्टर है। देखो तो सही, और देखो। देखी है कभी ऐसी लड़की? हाय हाय, लूट के ले गई मुझे। सीरत? हुँ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। उदासी लग रही है, क्या बात है, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ तो सोच रही है। नहीं कुछ नहीं। मैं तेरी भाभी नहीं, मैं तेरी माँ जैसी हूँ। हाँ बता क्या हुआ। आजा चल पहले दूध पी ले। आजा, आ बेटा बैठ जा। सोनू सो गया? हाँ, सोनू मेरे बिना कहाँ सोता है। लैला क्या कह रही थी? मेरी शादी के बारे में पूछ रही थी, और फिर सतनाम के बारे में पूछ रही थी। तूने क्या सोचा है सतनाम के बारे में? भाभी जी मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। क्या समझ नहीं आ रहा? मैं तुम्हें और सोनू को छोड़कर इतने दूर कनाडा कैसे जा सकती हूँ? तुम जानती हो तुम इतनी सी थी जब तुम्हारे भैया से शादी करके मैं इस घर में आई थी। शादी के वक्त तुम्हारा चहकना हमारे पूरे घर में सुनाई देता था। 8 साल हो गए तेरे भैया को गुजरे, मैं कभी डरी दुनिया से? सोनू को भी संभाली रही हूँ ना। जब से तेरे भैया चले गए हैं क्या मैंने रंग पहनना छोड़ दिया? फिर तू क्यों नहीं रंगना चाहती? वैसे भी आजकल तो एक फोन करो तो कनाडा बात हो जाती है। तेरे भैया का यही सपना था कि मेरी रानी की शादी किसी अच्छे घर में हो। पगली, ऐसी बातें सोच कर मन को उदास नहीं करते? भाभी जी मुझे लड़का पसंद आया। चलो अच्छा है, लेकिन मेरी एक और मुलाकात सतनाम के साथ हो सकती है क्या? हाँ क्यों नहीं हो सकती, मुझे बता ये कौन सी बड़ी बात है। मैं कल ही जीवन साथी वालों को फोन कर देती हूँ। ठीक है, रात बहुत हो गई है, सो जा। हाँ पगली, ऐसे ही कुछ भी सोच रही है। चल सो जा। ठीक है भाभी जी। हाँ क्या हुआ? पता है सोनू उस दिन क्या कर रहा क्या था? क्या कर रहा था? मुझे लड़का पसंद आया। तू और तेरा सोनू पागल हो गए हो दोनों। चल अब सो जा, बहुत रात हो गई है। रंजीत, 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 अरे कहाँ चला गया यार? रंजीत भाई, रंजीत तू शावर ले रहा है क्या? अरे रंजीत फोन आ रहा है तेरी लव का। अरे भाई फोन आ रहा है तेरी लव का, उठा लूं? बोल भाई उठा लूं फोन। हाँ अरे
तू गलत बस स्टॉप पे बैठा है भाई। तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ बैठा हूँ? पूरा का पूरा गांव देखते आ रहा हूँ, कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ ये कि भाई को कोई लड़की पसंद आ गई हो। गलती हो गई यार, हमें उसी दिन उसका घर देख लेना चाहिए था, तो आज ये मुसीबत नहीं आती। ये दूसरा फोन तो घर भुलाया था भाई, लव का फोन आया था, टेंशन मत ले, मैंने नहीं उठाया। ठीक किया। अब ये जो आ गई है तो वैसे भी लव का पत्ता तो कट ही जाएगा। यार तू अपना ज्ञान अपने पास रख, मुझे बस ये बता उस परी को मैं ढूंढूंगा। यहाँ से सीधा लो। जा भाई दो बियर लेके आ। यहाँ से जितना कहा उतना ही कर, बाप मत बन मेरा, जाके लेके आ। दो बियर दियो जरा। यहाँ तो चारों तरफ ढूंढ चुके हैं, फिर उस तरफ अंदर जाकर ट्राई करें। अरे रोक ले, रोक ले भाई, रोक ले, रोक ले, रोक ले। क्या हो गया भाई? भाई यही तो वो जगह है, यही तो वो मिली थी। हाँ भाई, क्या बात कर रहा है यार। गुड़ 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 पहिया डोले, दिल गुड़ 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 बोले, जिंदगी का पहिया डोले, दिल गुड़ 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 बोले, जिंदगी का पहिया डोले, दिल गुड़ 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 बोले, जिंदगी का पहिया डोले।
टीचर है, अब तो घर भी पता चल गया। हाँ। बस कल सवेरे तक नाम पता करके। समझ गया ना मेरे भाई। आपको जो भी सवाल पूछना है आप पूछ सकते हो। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। आई मीन अगर आपको कुछ पूछना उछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अब बड़ी कॉमन सी बात है, कनाडा में इतने साल रहने के बाद वहाँ भी इंडियन फैमिली बहुत सी है, ना लड़कियों की कमी है, फिर पंजाब आकर शादी क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन जी। एक्चुअली ना जी, मैं बचपन से ही अपनी माँ के बहुत करीब रहा हूँ, जैसे कि और भी लड़के रहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि मुझे मेरी माँ जैसी लड़की पंजाब में ही मिल सकती है। और सेकंड थिंग जी, मुझे टीचिंग बहुत पसंद है। एक टाइम था जब मैं खुद टीचर बनना चाहता था, एंड आई बिलीव दैट इफ अ हाउस एज अ टीचर, द हाउस इज वेरी लकी। और लास्ट थिंग जी, मेरे घर वालों का मानना है कि मुझे टीचर से अच्छा और कोई नहीं संभाल सकता। तो आपको क्या लगता है? अब जब सब कह ही रहे हैं तो मुझे लगता है ठीक ही कहते होंगे। और वैसे भी इतनी ब्यूटीफुल टीचर का स्टूडेंट बनने से तो कोई बेवकूफ ही बना कर सकता है जी। ओ गुरदीप, गुरदीप, वह तू बाहर क्या कर रहा है? तेरा वेट कर रहा था भाई। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो भाइयों यहाँ पे? ओए तू इधर इधर। भाई जानवी गाड़ी में। कौन जानवी? वो अरे कोई नहीं भाई, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अरे कौन जानवी यार? वसीम साहब की बेटी। अरे भाई उसे मैं संभाल लूंगा। कहाँ है भाई? उसे मैं संभाल लूंगा, मैं कह रहा हूँ ना। तुम सब अंदर जाओ। हटना भाई, हट जा। मेरी बात तो सुनो भाई। देख हट जा, मैं कह रहा हूँ। जी ने मना किया यार, जाने दो मुझे। देख भाई जानवी को मैं संभाल लूंगा। कह रहा हूँ ना। पी हुई है भाई, रंजीत मेरी बात मान जा। तूने सब पी हुई है रंजीत, मेरी बात सुन। रंजीत दिल तोड़वा दी तूने। मैंने तुझे मना किया था ना, बार बार कहने पे भी तू नहीं मानी। डील तोड़वा दी तूने। मैंने कहा था ना, अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया तूने? रंजीत मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। रंजीत को वहां पर किसी ने नहीं देखा। अगर कोई बात होती है, मैं उस केस को एक्सीडेंट केस बना डालूंगा। सर मैंने उसे बहुत समझाया था लेकिन वो नहीं माना। ये थप्पड़ मैंने नहीं मारा तेरे मुंह पर, ये राणा जी का हुक्म था, उसका तू हमेशा ध्यान रखना, समझ गया? भैया मुझे सच बताओ, क्या बात है? कुछ तो बात है तभी आप घर खाली करने की बात कर रहे हो। मेरे सर पर हाथ रखकर बताओ भैया, बताओ क्या बात है भैया, बताओ। भैया क्या बात है? हाँ मैं बचपन से रंजीत के आगे पीछे घूम रहा हूँ, वो जहाँ जाता है मुझे वहाँ जाना पड़ता है, वो उठता है तो उठना पड़ता है, बैठता है तो बैठना पड़ता है, बस। मेरी बहन एक बार बस तेरी शादी हो जाए, उसके बाद मैं सब कुछ छोड़ दूंगा मुस्कान। भैया रंजीत के साथ आपकी कोई बात हुई है ना, तभी आप इतने परेशान हो। नहीं मुस्कान, मेरी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा रहता है। तू अपने घर चली जाएगी ना तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। भैया मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अच्छा तो फिर कब करनी है? पता नहीं, करनी है कि नहीं। मुस्कान अगर तुझे कोई पसंद है तो बता दे, मैं बात कर लूंगा। कोई है? भैया मुस्कान, तीन दिनों के लिए चंडीगढ़ के चली गई तो मेल भी आई, हाँ भी कर दी,
एंगेजमेंट की डेट भी फिक्स कर ली और मुझे मिलवाया तक नहीं। तुझसे ना ये उम्मीद नहीं थी मुझे। सब इतना जल्दी जल्दी में हुआ लैला, क्या बताऊँ। कुछ मत बोल, शादी करने के बाद ही बताना था मुझे। तू उस दिन चंडीगढ़ में थी, फिर मैंने सोचा तू इतनी दूर कैसे आएगी। अच्छा जी, मैं तेरे लिए कनाडा से यहाँ आई हूँ और तू कह रही है मैं चंडीगढ़ से कैसे आती। अच्छा, मेरी माँ, गलती हो गई मुझसे। अब गुरुद्वारे चलते हैं। भाई भाई, अंकल जी ने बिल्कुल साफ साफ मना किया तुझे घर से कहीं बाहर जाने के लिए। सुन लैला, ओहो मुझसे गलती हो गई, अरे माफ कर देना यार। गलती हुई है ना, सजा भी मिलेगी। तो सुन, तू जो कहेगी वो मैं मानूंगी। मानेगी? हाँ पक्का पक्का। तो मैं तेरी ये लोकल बस में नहीं जाऊंगी, ऑटो कर मेरे लिए। जिसका फैसला कर ही देते हैं, चला जा। भाई आ जा। भाई भाई, अंकल जी ने मना किया हुआ है। मुझे लंगर खाए बहुत टाइम हो गया। यहाँ के खाने में बहुत स्वाद है। हाँ। बहुत भूख लगी है। सीरत, तुझे पता है मैं 3 दिनों तक बहुत कंफ्यूज रही। कैसी कंफ्यूजन है तुझे? यार मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़का देखा है, लेकिन उसकी फैमिली बहुत बड़ी है एंड आई डोंट लाइक जॉइंट फैमिली। यार बाद में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। एक तो वो घर में सबसे छोटा है, तुझे पता है जेठानिया, और फिर मेरे ख्याल से मुझे मम्मी पापा को मना कर देना चाहिए। कल को प्रॉब्लम्स हो जाए तो क्या फायदा। तो मैं सोच रही हूँ कि सीरत बेटा, ये यहाँ की परंपरा है, गुरु घर का प्रसाद है, ये चक्कर जाना। क्या हुआ तुझे? मेरा सिर दुख रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बड़ी कमाल की लड़की है तू, अभी तो सब ठीक था। चलो भैया जल्दी। ये ऐसे हाथ नहीं आने वाली। तो फिर क्या करेंगे? उठा लूंगा इसे। भाई मुझे ये रंग बहुत प्यारा कलर है, बहुत खूबसूरत लगेगा तुम पर। बहन जी जल्दी आ जाओ, पहले ही लेट हो गए हैं। क्या हाल है जाने मन? हाँ जी।
तीन लोगों का लेना टिकट। एक्सक्यूज मी, ये सीट लेडीज के लिए है। तो फिर मैं किसके लिए हूँ? प्लीज मुझे जाने दो। मेरा नाम रंजीत है। मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज। चुपचाप यहाँ बैठी रहे, अगर थोड़ी भी आवाज निकाली ना तो यही ठोक दूंगा तुझे। आवाज नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि वो लोग कल तक तो कह रही थी नाम नहीं बता सकती, और आज देख लो। हाँ, सही कहा। बात सुन, पूछना ना। हाँ। मैं नहीं पूछती, वैसे लड़का प्यारा लग रहा है ना। हाँ, सही कहा, लड़का बहुत अच्छा है। लड़का है। ये ले। दादी आ गई। दादी को आज अपने पास से बिठा लो। यही बैठ जाती हूँ, सीट खाली नहीं है ना। देख लिया दादी, इसीलिए तो आपको यहाँ पर बिठाया है। हाँ। अरे दादी, जाकर देखिए ना लड़का कैसा है। नहीं बेटी, देखिए ना दादी जी, क्यों बिना वजह उन्हें तंग करूं मैं। नहीं दादी, जाइए ना। अरे मिलकर तो आओ। जाओ ना दादी। अरे रहने दे, बाहर में मिल लूंगी। कितने अच्छे लग रहे हैं, कैसे डर डर के बैठे हुए हैं। ये लो भाई। हाँ भाई, टिकट ले लो। आ जाओ दादी जी, लास्ट स्टॉप आ गया। दादी जी। क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं हुआ दादी जी, ये हमारा पर्सनल मामला है, आप जाइए, आप जाइए प्लीज। तू कौन है? आप जाइए ना। मैं पूछ रही हूँ, तो है कौन? आप जाइए, आप जाइए। हाँ बेटा, पिछले 10 दिनों से ये मेरा पीछा कर रहा है। मैं जहाँ जाती हूँ ये मेरे पीछे आ जाता है। दादी जी मुझे परेशान कर रहा है, उस दिन तो गुरुद्वारे भी आया था। चल उठ जा, आ जा मेरे साथ। आंटी जी, उसने कहा ना ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप जाओ ना। चल बेटा उठ जा, क्या करेगा ये? आंटी जी जाओ यहाँ से। चल उठ, आ जा मेरे साथ। जाओ यहाँ से। देखियो क्या करता है। हमने कहा ना आपसे कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। तू पागल हो गया है, लड़की रोए जा रही है और तू बाहर जाने को कह रहा है? शर्म नहीं आती तुझे, बेशरम कहीं का। आपको आंटी जी आखिरी बार समझा रहा हूँ कि आप जाओ यहाँ से, नहीं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस को फोन करो या आर्मी को, इसको तो मैं ही लेके जाऊंगा। इसका हाथ तो देख, क्या हो गया है, खून बह रहा है, इसे नहीं ले जा सकता। छोड़ता है कि नहीं इसको? मैं कह रही हूँ छोड़ दे इसे। कहो ना मैं लेके जाऊंगा। अरे हट पीछे, पहले तू हट जा। आंटी जी मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, आप यहाँ से चली जाओ। अच्छा, नहीं तो ऐसे नहीं मानेगा। अच्छा नहीं होगा। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। जिसको मर्जी उसको फोन कर दूँ। तू इस तरह नहीं मानेगा। मेरा नाम भी सतवन कौर है, मैं भी सिखनी हूँ। लगा लगा हाथ, मैं कहती हूँ लड़की को हाथ लगा कर देख। लगाना अब हाथ, है हिम्मत, लगा के दिखा हाथ, देख क्या रहा है मेरी तरफ। लगा हाथ, मैं कह रही हूँ हट जा तू। अभी हम आपको ले चलते हैं हमारी संवाददाता नीरू के पास, जो कि पुलिस स्टेशन से लाइव रिपोर्ट कर रही है। नीरू, इस मर्डर के पीछे क्या वजह सामने आ रही है? फरीदा, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन मर्डर के समय बस में जो भी सस्पेक्ट्स मौजूद थे उनका कहना है कि उन्होंने गोली नहीं मारी। पुलिस उन सस्पेक्ट से छानबीन कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है पुलिस स्टेशन के अंदर। उनका कहना है कि इस मामले की गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझा दिया जाएगा। कैमरामैन मनप्रीत के साथ मैं नीरू, पीटीसी न्यूज पटियाला। आज सवेरे सतवंत कौर को यहां भर्ती करवाया गया है, उनकी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है, गोली सीधी उनके पेट के अंदर लगी है, इस वक्त वो ICU में भर्ती है। पीटीसी न्यूज पटियाला से मैं बलजिंदर बल्ली, साथ में कैमरामैन। Please, 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 please
आपको क्या लगता है गोली किसने चलाई है? देखो, राणा साहब एक इज्जतदार आदमी है और शरीफ इंसान है। इससे पहले भी हादसा हो चुका है, मुझे लगता है कोई इनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। बयान तो एकदम क्लियर हो गया है कि जानवी एक अमीर जादी लड़की थी जिसको सिगरेट, शराब, क्लब, पब घूमने का शौक था। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ उस दिन उसने जो कपड़े पहने थे वो अदालत के सामने कहते हुए, मुझे शर्म आ रही है योर ऑनर, जानवी को नए नए लड़कों के साथ घूमने का शौक था। बिन ब्याही जानवी, शी वॉज प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट थी योर ऑनर। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जानवी की मौत शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट में हुई है, लिहाजा रंजीत राणा को बाइज्जत बरी किया जाता है। अमरजीत कौर, मेरा नाम है मदन सूरी, मैं करता हूँ लोगों की ख्वाहिशें पूरी, जो मेरे साथ लेते हैं पंगा उन्हें मैं कर देता हूँ नंगा। बता अपना। ये अच्छे से अच्छा लॉयर करेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी, आप? नमस्ते, मेरा नाम अमरजीत कौर है और मैं पेशे से एक वकील हूँ। मैं लड़ूंगी तुम्हारा केस। सीरत, सोच कर ध्यान से मुझे ये बात बताओ कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया था, वो 10 दिन से मेरे पीछे पड़ा था। मैं जहाँ जाती थी वो मेरे पीछे आ जाता था। बस के अंदर जब वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, तब दादी जी मुझे बचाने आई और उसने मेरे सामने उनको गोली मार दी। मैं समझ गई, मैं जानती हूँ इन सबको। ये मदन सूरी, रंजीत, गुरदीप, ये सारे ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जो बंदा मौजूद था, गुरदीप, वो उसी का बंदा है, तो यही वजह है कि फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। पर गोली रंजीत नाम के लड़के ने ही चलाई है। अरे लड़की, तुम्हें पता नहीं है कि तेरे खिलाफ कितने लोग खड़े हैं। पर तू फिकर मत कर, अमरजीत कौर तेरे साथ खड़ी है, समझी? ध्यान रखना इसका। यस मैम। मैम तेरा केस लड़ेंगी, तो फिक्र मत कर, मैं भी आई। मैम, 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 ये हमारे साथ क्या हो रहा है? सीरत को कुछ होगा तो नहीं ना? अगर सतवंत कौर जी को कुछ हो गया तो सीरत की जिंदगी भर की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। फिलहाल सतवंत कौर की जिंदगी के साथ सीरत की जिंदगी जुड़ चुकी है। बट मैम, अगर सतवंत कौर जी को कुछ हो गया फिर आप क्या करेंगी? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, पर केस शुरू होने से पहले उन लोगों ने इसके लिए सजा जरूर तय कर ली होगी। तू बस दुआ कर कि सतवंत जी को कुछ ना हो। जीजाजी, जीजाजी, राणा जी का फोन। आप तो गए हैं। हाँ राणा साहब। रंजीत कहाँ है? मैं अभी रंजीत से मिलकर ही बाहर आ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, रंजीत कहाँ है? देखो राणा साहब, उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग चुका है। वो है कहाँ? इस वजह से मीडिया मसाला लगाकर इस केस के पीछे पड़ चुकी है। सूर्य, मुझे खबर मिल चुकी है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। इसी वजह से वो कस्टडी में है। सूर्य, तुझे पता है ना मैं मीडिया के बीच में नहीं आ सकता। तू पैसे की परवाह मत कर, पर एक बात याद रखना, मुझे मेरा बेटा बाहर चाहिए किसी भी हालत में। ये केस टफ जरूर है, मगर मैं रंजीत को कुछ होने नहीं दूंगा। मैं उसे जरूर बाहर निकाल कर ले आऊंगा। ये मदन सूरी का वादा है आपसे। हैव अ नाइस डे राणा साहब। जीजा जी। बाबा जी। कुछ नहीं होगा सीरत को, हौसला रखो। अपने आप को संभालो आप। अगर आप ही ऐसे करोगे तो सबकी हिम्मत टूट जाएगी। लैला जी, बेटा यू टेक केयर ऑफ हर। यस बाबा। ध्यान रखना।
भाभी जी, यू डोंट वरी, जब तक मैं हूं ना सीरत को कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू, जब तक सीरत वापस नहीं आ जाती ना, मैं दिन रात आपके साथ रहूंगी। मम्मी, सीरत बुआ को क्या हो गया? बुआ जल्दी वापस आ जाएगी, चलो हम अंदर चलते हैं। अरे सांस तो लेने दे। जीजा जी। हेलो। हाँ बूमन बोल। जीजा जी, प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे सारे पुलिस वाले और मीडिया वाले पहुंचे हुए हैं। मैं अंदर तो नहीं जा सका। हाँ? लेकिन मैंने पता लगा लिया, सतवंत कौर बहुत ज्यादा सीरियस है। एक बात और। हाँ। सीरत कौर का केस अमरजीत कौर लड़ रही है। अमरजीत कौर? ये तो नहीं बचेगा। मदन सूरी के केस को कोई उलझा नहीं सकता। वकील तो क्या, जज भी मुझे हरा नहीं सकता। अमरजीत कौर। कॉफी लेंगी आप? नहीं, तुम बैठो यहाँ। अच्छा, आज मैं हॉस्पिटल गई थी तो सतवंत जी की हालत बहुत ही खराब है, टेंशन मत लो। अच्छा जसवीर जी, मैं चलती हूँ। पैसे रखो, आपको जरूरत पड़ेगी। इसे आप रखिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं, पैसे की जरूरत तो पड़ती है ना जसवीर जी, आप बहन भी कह रही हैं और पैसे भी दे रही हैं। मैं आपके साथ हूँ, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी, लेकिन सीरत को कुछ नहीं होने दूंगी। आप रखो इसे। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके मैम, नमस्ते। नमस्ते। टेंशन मत लीजिए। मिस सीरत कौर जी, आप शपथ लीजिए। मैं सीरत कौर, मैं यहाँ जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस सीरत कौर जी, आप सतवंत कौर को जानती थी? जी हाँ, हम दोनों एक ही बस में सफर करते थे, वो मेरे साथ आखिरी स्टॉप पर उतरती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके और उनके बीच बड़ा नजदीकी संबंध रहा होगा, है ना? जी हाँ। ये बताओ कि आप रंजीत राणा को कब से जानती हो? मैं उन्हें नहीं जानती, मैंने उनका नाम भी कभी नहीं सुना। कमाल है, आप रंजीत राणा को नहीं जानती? नहीं। लो जी, उनका तो नाम भी नहीं सुना, कमाल है। हो सकता है मैंने गलत सुना होगा या मेरे कान बज रहे होंगे। एक बार आप सब लोगों के सामने फिर से पूछ लेते हैं। मिस सीरत कौर जी, ये बताओ आप रंजीत राणा को कब से जानती हो? मैं उन्हें नहीं जानती, मैंने उनका नाम भी नहीं सुना। योर ऑनर, ये सारे फोटोग्राफ्स असली हैं। इसके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे क्लाइंट के पास है। इफ यू वांट योर ऑनर, किसी भी लैब में आप इन्हें चेक करवा सकती हैं। मैंने इनका पहला झूठ इस अदालत के सामने पेश कर दिया है। योर ऑनर, ये जितनी मासूम दिखती है उतनी ही शातिर है। योर ऑनर, जब ये लड़की समझ गई कि रंजीत इसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकता है, तो इस लड़की ने एक गेम खेला। गेम मगर रंजीत ने इसका साथ नहीं दिया, तो ये सारा काम इसको खुद करना पड़ा। से यस। मैं इस अदालत में बहुत जल्द ये साबित कर दूंगा
कि इस मासूम चेहरे के पीछे क्या वजह थी कि एक इनोसेंट औरत का इसने कत्ल कर दिया। मैं यहाँ रंजीत को बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। मिस्टर रंजीत, सबसे पहले तो आप कसम खाइए। मैं आपसे जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, तो मेरा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल, अब करते क्या हैं? नमस्ते जी। जी, मेरे डैड का बिजनेस है, मैं बस उनके साथ ही काम करता हूँ। किस चीज का बिजनेस? प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट। अच्छा, कुछ दिन पहले जानवी नाम की लड़की का कत्ल हुआ था, आपका क्या रिश्ता था उसके साथ? I strongly object, Your Honor. उस केस के बारे में यहाँ डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। उस केस में मेरे क्लाइंट को ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुकी है, Your Honor. Your Honor, पहले भी यहाँ झूठे गवाह पेश करके क्लीन चिट ये ले चुके हैं। मिस अमरजीत कौर, दैट केस इज ओवर, स्टॉप एक्यूजिंग, प्लीज कंटिन्यू। Your Honor, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि रंजीत की इन्वॉल्वमेंट पहले भी एक लड़की की जान ले चुकी है। इट्स अ फैक्ट, नॉट एन एक्यूजेशन। हम केस को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि सीरत के साथ आपका क्या रिश्ता है, कब से जानते हैं आप उसे? मैम, पिछले 3 महीनों से। अच्छा, 3 महीने से जानते हैं जी। और क्या रिश्ता है उसके साथ आपका? मैम, मैं सीरत को बहुत प्यार करता हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। ओह, आप सीरत से बहुत प्यार करते हैं और उसके साथ शादी करना चाहते हैं। हाँ जी। और सीरत? सीरत भी मुझे बहुत प्यार करती है, पर वो कंफ्यूज रहती है, शायद उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? हाँ जी। कौन कर रहा था ब्लैकमेल? मैम, कौन और क्यों ये तो मैं नहीं जानता हूँ। मैंने उससे कई बार पूछा, पर वो हर बार यही कहती थी कि टाइम आने पे बता दूंगी। तो आप उस दिन बस में क्या कर रहे थे, वो भी अपने दोस्त के साथ? जस साहब, मैंने कभी बस में सफर नहीं किया था, लेकिन उस दिन सीरत ने मुझे फोन करके बस में बुलाया, मैं खुद हैरान था। मैंने उसे पूछा भी कि बस में क्यों, उसने कहा कि मुझे बस में ही मिलना है, बस कुछ अर्जेंट है, तुम जल्दी आ जाओ। मैम, गुरदीप तो मेरे साथ ही रहता है, तो मैं उसे भी अपने साथ लेता गया। योना, रंजीत की बात सुनकर मुझे तो यकीन हो गया है कि ये सीरत से बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ शादी करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं। क्यों रंजीत? Am I right? मैं सीरत के साथ जल्द से जल्द सेटल होना चाहता हूँ मैम। Point to be noted, my lord. रंजीत सीरत के साथ जल्द से जल्द सेटल होना चाहते हैं। तो मेरे सिंपल से सवाल का जल्द से जवाब भी दे दीजिए। जी। अच्छा, सीरत का बर्थडे कब होता है जानते हैं आप? मैम, बर्थडे? अच्छा, सीरत के घर में कौन कौन है, उसके परिवार में मेंबर कितने हैं जानते हैं आप? हाँ मैम, उसकी फैमिली में। सीरत की भाभी का नाम क्या है? अच्छा, ये बता दो सीरत की बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? मैम वो योर ऑनर, ये सारे सवाल बेफिजूल के हैं, मर्डर से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। योर ऑनर, एक लड़का 3 महीने से एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, उससे प्यार करता है, उससे शादी करके उसके साथ सेटल होना चाहता है, और फिर एक दिन बस के अंदर एक कत्ल हो जाता है और ये लड़का उसी लड़की पर इल्जाम लगा रहा है, ये आपको अजीब नहीं लग रहा है? योना, सच्चाई ये है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। मैं बताती हूँ सच्चाई क्या है, रंजीत सीरत के साथ जबरदस्ती कर रहा था, सीरत ने मदद के लिए सतवंत कौर को बुलाया, इन लोगों के बीच बहस शुरू हुई, बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इस लड़के ने सतवंत कौर को गोली मार दी थी। मैं सच कह रही हूँ ना? मैंने गोली नहीं मारी। बोल रहा है सरासर। मैम, मैंने गोली नहीं मारी, मैं उन्हें गोली क्यों मारूंगा, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही गोली मारी है, बोलो तुमने गोली मारी है। I strongly object, मेरे क्लाइंट से इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ए मदनसूरी, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरे साथ इस तरह बात नहीं करता। मैं तुझे बताऊंगी मैं क्या कर सकती हूँ। अरे मैं क्या कर सकता हूँ तुम नहीं जानती। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर सूरी एंड मिस कौर, मैं अगली तारीख दे रही हूँ, फैक्ट्स आर एक्सेप्टेड हियर। कौन क्या मानता है, कौन क्या समझता है, कोर्ट इसे नहीं मानती। ये मेरे क्लाइंट के बेल पेपर्स। ये बेल के पेपर हैं।
देखिए, मैं खुद नहीं जानती कि उसे वो फोटोग्राफ्स मिले कहाँ से, लेकिन मुझे पक्का लगता है कि उसके चमचे गुरदीप ने खींची होंगी। मैं जानती हूँ उस मदन सूरी को अच्छी तरह। वो नेक्स्ट हियरिंग में ना नई नई कहानियां बनाएगा। उसे ना झूठे गवाह और सबूत पेश करने हैं। ये ना अपने बाप का भी सगा नहीं है। पर मैम, अब हम करेंगे क्या? उनके पास दो घटिया लड़के हैं और हमारे पास भोली भाली सीरत है। लेकिन केस तो लड़ना पड़ेगा और हिम्मत के साथ लड़ना पड़ेगा। किसी को हिम्मत नहीं छोड़नी है, समझ गए ना तुम लोग? किसी तरह से उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ताकि एटलीस्ट हमारी सीरत सेफ हो जाए। मैं मर जाऊंगी लेकिन उस गुंडे के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी जिसने मेरी तूने पहले कितनी हिम्मत रखी, अब क्यों हार रही है तू? वो कुछ नहीं कर सकते बेटा। ना बेटा, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं रोते मेरी रानी बेटी। चुप हो जा। हेलो हेलो हेलो। हाँ रंजीत। हाँ बोलो। मुझे तुमसे मिलना है। नहीं मिल सकता हूँ मुस्कान, अभी और इसी वक्त। गेस्ट हाउस जाना है, डैड ने मना किया है बाहर निकलने से। तू कहाँ है? मैं तुम्हारे घर पे हूँ। मेरे घर? तू, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या मुस्कान? तू वहाँ क्या कर रही है? दिमाग तो अब मेरा ठीक हुआ है रंजीत। ये क्या कह रही है तू? देख देख मुस्कान, ये वक्त एक दूसरे को समझने का है। देख, डैड ने गुरदीप को घर भेजा है, तू वहाँ से निकल जा, ठीक है मुस्कान? तू मेरी बात नहीं मानेगी रंजीत? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी मुस्कान। तुम यहाँ आ जाओ या फिर भैया को यहाँ आने दो। तू वहाँ से निकलेगी या नहीं? नहीं गुरदीप आ जाएगा मुस्कान, तू निकल जा वहाँ से। ये क्या बदतमीजी है मुस्कान, तुझसे कहा था ना कि तू जा यहाँ से। उसके साथ भी ऐसी ही बात करता है? तुम उससे सच्चा प्यार करता है? अगर गुरदीप ने देख लिया होता तो? मैं तो चाहते ही थे कि भैया देख ले आज, उन्हें भी पता चले कि उनकी बहन का सच क्या है। मुस्कान यार, तू भी सबकी बातों में आ गई। बेबी मैं तो अब पता करने की कोशिश कर रहा हूँ यार। सूरी साहब मुझे जो कहने को कहते हैं मैं वही कहता हूँ। प्लीज बेबी ट्रस्ट मी, अगर तुझे मुझ पे यकीन नहीं है ना तो अपने भाई गुरदीप से पूछ ले, वो भी तो था उस दिन मेरे साथ। मुस्कान ने अपने भाई से पूछकर तुमसे प्यार नहीं किया था रंजीत। तुम मुझे बस इतना बता दो, तुमने उस औरत को गोली मारी है या नहीं? यार सूरी साहब भी यही पता करने की कोशिश में लगे हैं कि जानवी की तरह ये लड़की भी मुझे क्यों फंसाना चाहती है। बेबी मैं तेरी कसम खाता हूँ, तेरे सर की कसम, मैंने गोली नहीं मारी। आई लव यू। बेबी मैंने उसे गोली नहीं मारी, नहीं मारी। आई लव यू बेबी। सच में मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं। योर ऑनर, उस दिन बस में सफर करने वाले मुसाफिरों को मैं विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? एक बात बताओ, आप लोग एक दूसरे को कैसे जानती हो? सर हम सब एक ही गांव के हैं।
अच्छा तुम्हारे गांव का नाम क्या है? जी सैरा। सैरा, अच्छा एक बात बताओ, आप सीरत कौर को कैसे जानती हो? सर हम सब एक ही बस में सफर करते हैं तो नॉर्मल सी बात होती है। इस तरह से हमारी जान पहचान सीरत से हो गई। अच्छा उस दिन बस में क्या हुआ था? उस दिन जब हम सब बस में चढ़े तो हमने देखा कि सीरत के बगल में एक लड़का बैठा है। हमें लगा कि उसका मंगेतर है। दादी उस दिन उसके बगल में नहीं बैठी, पीछे ही बैठ गई। आपने कैसे मान लिया कि वो इसका मंगेतर है? सर क्योंकि सीरत ने एक दिन पहले ही हम सबको बता दिया था कि उसका रिश्ता हो गया है। हाँ, point to be noted, Your Honor. सीरत की एक दिन पहले ही सगाई हो गई थी। अगर आप पूछ लेते कि लड़का यही है तो हादसा होता ही नहीं। हमें तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं। हाँ, अच्छा ये बताओ फिर क्या हुआ? सर फिर हमारा स्टॉप आ गया और हम उतर गए। उतरने से पहले कुछ तो देखा होगा, कुछ तो सुना ही होगा। जब हम बस में थे तो ऐसा कुछ नहीं देखा। योर ऑनर, सोचने वाली बात यह है कि पैसेंजरों से पूरी तरह भरी हुई बस, उसके बीच एक लड़का एक लड़की के साथ उसकी सीट पर बैठ के उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसके बाद वो लड़की उस लड़के से कुछ नहीं कहती और लड़की जब हंगामा करती है, उस बस में सिर्फ चार सवारियां रह जाती है। योर ऑनर, कहानी बनाना और सच कहना ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। योर ऑनर, योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस। उस दिन उस बस में ड्यूटी पर आप थे? हाँ जी। अच्छा ये बताओ ये बस कहां से कहां तक जाती है? ये जी पटियाला डिपो से राजपुरा बाईपास तक। बाईपास तक जाती है, कितना टाइम ले लेती है ये बस? बस यही कुछ घंटा भर लगता है। घंटा भर लगता है। अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी। उस दिन एक लड़का लेडी सीट पर बैठा था तो आपने उसे उठाया क्यों नहीं? देखिए जी, खाली सीट पर कोई भी बैठ जाता है, जब तक हमें कोई लड़की कुछ कहती नहीं हम बीच में नहीं आ सकते, लेकिन जब किसी को दिक्कत होती है तो हम बीच में आते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, कल को जब किसी लेडी को दिक्कत होती है तो ये अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन योर ऑनर पूरे सफर में सीरत तो परेशान हुई ही नहीं। योर ऑनर, पहले मेरी क्लाइंट सीरत को पिस्तौल दिखाकर डराया गया, फिर बस खाली होने का इंतजार किया गया, फिर गोली वहां चलाई गई जहां सवारियां नहीं थी। इसका मतलब सीरत कौर शोर मचाने के लिए सुनसान जगह का वेट कर रही थी। सुनसान जगह का वेट तो रंजीत कर रहा था मिस्टर सूरी। योना, मेरी क्लाइंट का ऐसा कोई मोटिव था ही नहीं। योर ऑनर, सीरत कौर का मोटिव बताने के लिए मैं अपने आई विटनेस गुरदीप सिंह को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। तुम्हारा नाम? गुरदीप सिंह। तो तुम रंजीत राणा को कैसे जानते हो? रंजीत मेरे बचपन का दोस्त है। अच्छा, अभी तुम अदालत को साफ साफ बताओ कि बस में क्या हुआ था। जी सर, मैं इतना जानता हूँ रंजीत सीरत को बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसे 3 महीने से घुमा रही थी। उस दिन सीरत ने रंजीत को बस में बुलाया, वो मुझे अपने साथ ले गया था। रंजीत को पता था कि वो लेडीज सीट है, लेकिन जब सीरत ने कहा कि मेरे साथ बैठ जाओ कोई कुछ नहीं कहेगा तो रंजीत बैठ गया। योर ऑनर, मैं साथ में ही खड़ा था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, ये बहुत ही होशियारी से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। योर ऑनर, लास्ट स्टॉप पर जब पूरी बस खाली हो गई सबके उतर जाने के बाद अचानक ही पता नहीं सतवंत कौर को क्या हुआ, सीरत को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। क्यों झूठ बोले जा रहे हो, कुछ तो शर्म करो, ऊपर वाले से तो डरो। बहन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज सिट डाउन, हमें अपनी कार्रवाई करने दो। आई बेक ऑफ यू, सतवंत कौर ने इनसे क्या कहा था? सर उन्होंने कहा कि पहले बताना चाहिए था अगर शादी नहीं करनी थी तो। राजेंद्र को तो 1 साल से रोक के रखा है, हमें कुछ भी समझ नहीं आया। फिर वो सीरत को धमकाने लगी कि मैं देखती हूँ तू कनाडा कैसे जाती है, मैं लड़के वालों को सब कुछ बता दूंगी कि तू किस तरह की है, तेरे बाहर कितने चक्कर हैं। उसके बाद वो और कुछ कहने लगी। अचानक पता नहीं कहाँ से सीरत ने पिस्तौल निकाल लिया योर ऑनर, और ये चाहती थी कि रंजीत उसको डराए। लेकिन योर ऑनर, जब रंजीत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो पता नहीं कैसे
सीरत ने एकदम गोली चला दी और फिर जोर जोर से रोने लगी। मैं और रंजीत तो बहुत डर गए, हमने पुलिस को फोन कर दिया इमीडिएटली। अगर आपको इसकी झूठी बातें सच लग रही है तो फांसी दे दो इसको, इसको फांसी दे दो, जीने का इसको कोई हक नहीं है। एक बेकसूर लड़की को क्यों कसूरवार ठहराया जा रहा है, इसको जीने का कोई हक नहीं है, फांसी दे दो इसको। अमरजीत जी, आप एक्सपीरियंस लॉयर होकर भी इमोशनल हो रही हैं। लेट्स फेस द फैक्ट। आई एम सॉरी योना। यू मे कंटिन्यू। अच्छा एक बात बताओ जी, तुम राजेंद्र को कैसे जानते हो? सर उस दिन पहली बार मैंने सिर्फ नाम ही सुना था। अच्छा, तुमने नाम सुना था और तुम्हें नाम याद रहा उसका? सर मुझे लगता है कि सारी लड़ाई की जड़ वो राजेंद्र ही है। ओ। वो सतवंत कौर जी बार बार उसका नाम ले रही थी। योर ऑनर, कुछ मोटिव तो है बट क्लियर नहीं हो रहा है, ये राजेंद्र कौन है मुझे नहीं पता। थैंक यू गुरदीप, योर क्वेश्चन मैडम। एक्सक्यूज मी, आई एम कमिंग। ये कौन है? हु इज ही? नॉट टचिंग। एक मिनट। शट अप। मैंने देखा, इन दोनों को देखा। वेरी गुड। अरे इसे कटघरे में लाओ जरा। नॉट टचिंग। हाँ डोंट वरी, खड़ा करो इसे। बेइज्जती। चल चुपचाप खड़ा रह। एनआरआई की बेइज्जती। छोड़ दो, बस छोड़ दो। शट अप। इनको देखा है? हाँ देखा है। इस सीरत कौर को तुमने देखा है? देखा है, वही लड़की है। और उनको देखा है? हाँ उनको भी देखा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या करते हुए देखा था इन दोनों को? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मदनसूरी है। मदनपुरी, ठीक है मिस्टर मदनपुरी। अरे मदनसूरी है। हाँ भाई जो भी है, मैंने इनको देखा। देखा मैंने। अरे देखा क्या था तू? मैंने देखा है, इनको देखा है। क्या करते देखा था तुमने? उसने मेरी टोपी चुराई थी। अरे Your Honor, he's wasting our time. Throw him out. Not touching. I'm from Canada. Not touching. मैं गुरदीप को फिर से एक बार विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती हूँ। गुरदीप, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने सीरत को अपनी आंखों से गोली मारते हुए देखा? जी, बिल्कुल अपनी आंखों से देखा। अच्छा जब उसने गोली मारी थी तो क्या सीरत ने अपने हाथों में कुछ पहना हुआ था? नहीं, हाथों में तो कुछ भी नहीं पहना था। योना, अगर मेरी क्लाइंट सीरत कौर ने अपने हाथों से गोली मारी थी तो पिस्तौल पे उसके फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं है? फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक भी उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। ये सारा कंप्लीट प्लान है। सतवंत कौर जी नहीं रहे। आई एम सॉरी योर ऑनर, इस अदालत में अभी एक दुख भरी खबर आई है। जिस सतवंत कौर जी को गोली लगी थी उनका देहांत हो गया है। मैं वाहेगुरु से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे। योर ऑनर, इमोशंस को परे रखते हुए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुजरिम को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। कल अदालत सारे बयान सुनने के बाद अपना फैसला सुनाएगी। तब तक के लिए आदेश दिया जाता है कि रंजीत और सीरत को पुलिस हिरासत में रखा जाए। द कोर्ट इज अजर्न। हाँ तो कल फाइल ले लेना। अच्छा और मेरा नाम है मदन सूरी, मैं करता हूं लोगों की ख्वाहिशें पूरी, जो मेरे साथ लेते हैं पंगा उनको मैं कर देता हूं नंगा। मदन सूरी,
भी नाम है अमरजीत कौर, मेरे जैसी भी नहीं कोई और, मेरा भगवान मेरे साथ है, चल जा, लगा ले चाहे जितनी मर्जी जोर। देखो बहन जी, गलती किससे नहीं होती है, जवान खून है उस पर इतना पैसा, राणा जी तो ये कह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया, उस पे डालो मिट्टी। नहीं नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है, राणा जी तो पूरी हमदर्दी रखते हैं सीरत के साथ, बहुत प्यार करते हैं सीरत से। हाँ, वो तो कह रहे थे कि बेचारी सीरत के आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, अगर उसे जेल हो गई तो कौन पसंद करेगा। अरे बहन जी, आजकल तो अच्छी भली को भी दोषी बना देते हैं यहाँ लोग, तो वो तो फिर भी सजा याफ्ता है। आप हाँ नहीं नहीं नहीं, आप चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, सीरत को कुछ नहीं होगा, बस कल जब कोर्ट का फैसला आएगा ना, हम केस को इतना कमजोर कर देंगे ना कि बस 2 या 3 महीने की सजा, वहाँ भी कोई चिंता नहीं, जेल में भी राणा साहब ने पूरी व्यवस्था की हुई है, सेटिंग की हुई है, बस। मैं तो एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना लेकर आया हूँ, अगर आप कहो मैं आपके कदमों में रख दूँ। बस राणा जी ये चाहते हैं कि आप अपनी सीरत की शादी राणा जी के बेटे रंजीत जी के साथ करवा दो, बस फिर वो उनके घर की इज्जत हो गई। मैंने कहा वो वादा करते हैं, सीरत को कुछ होगा ही नहीं, बल्कि तो किस्मत खुल जाएगी अपनी सीरत की, आपका बुढ़ापा भी कट जाएगा, और क्या चाहिए बहन जी। रो मत बहन जी, आप रो मत, मेरा दिल तो बहुत ही कमजोर है, बस राणा जी ये चाहते हैं कि आप एक बार बसा कर दो, दोनों की शादी धूमधाम से करवाएंगे जी, इतने धूमधाम से शादी करवाएंगे कि सारा शहर आंखें फाड़ कर देखता रह जाएगा। तू पागल हो गई लगता है। पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो, जो उस बिचारी के पीछे पड़े हुए हो, क्या बिगाड़ा है सीरत ने तुम्हारा, कीड़े पड़ेंगे कीड़े। उस घटिया आदमी से जाके कह दो, हमारी सीरत को अगर किसी ने हाथ भी लगाया ना, तो उसके घर में घुसकर मारेगी ये जसबीर कौर। ठीक है, तो हो जाने दो कल अदालत का फैसला, राणा जी कह रहे थे 20 साल से एक दिन भी अगर सजा कम हुई ना, दूर निकल यहाँ से, नहीं तो सारी बिरादरी जमा कर दूंगी। नहीं, चल। देखो मैं तुम्हें यहाँ समझाने आया था। ओए, अंधा हो गया क्या, दिखता नहीं तुझे, ऊपर ही चढ़े जा रहा है, जान बूझ के कौन चढ़ रहा, अरे बस में देख भीड़ कितनी गणी से, धक्का तो लगे गई, भीड़ दिख रही है तुझे, सब जानती हूँ तेरे जैसे लोगों के बारे में। अरे जानती है तो फिर इतना चिल्ला क्यों रही से, ये भी तो टच भी ना किया। ये लड़कियां ना अपने आप को कटरीना दीपिका समझे भाई जी। अगर विदाउट मेकअप देख लो तो सारी की सारी इसलिए बाहर आ जाती है, पूतनियां लगती है पूतनियां। भाई अब इसी ने देख लो भाई, भाई जी इसी ने तो देख रहे हैं। भाई साहब देखिए ना, ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं। ए, क्यों तंग कर रहे हो लड़की को। अबे ओए, तो इसका बाप है के, चल अपना काम कर।
टिकट ले रखी से, तू बीच में मत बोल। बात करने की तमीज नहीं है, घटिया लोग। आज अगर इन्हें छोड़ दिया ना तो कल किसी और लड़की को परेशान करेंगे। ओ बहन जी, तन्ने तो कुछ बोला ही ना हमने, तो तन्ने क्यों चर्बी चढ़ रही से है? तू सिक्योरिटी गार्ड से इसकी? देखो तुम लोग ना मेरे मुंह मत लगो, यही पुलिस को बुला लूंगी मैं। सुन, जिस पुलिस की बात करती है ना, उस पुलिस ने जेब में रख के घूमे कहाँ? जेब में। भाई जी, कह रहे बात ये से बोल, इसकी तो रोमिंग फ्री लग रही से। अच्छा, अरे सिग्नल तो देख, फुल बटा फुल से स्पीड कितनी देगी। भाई जी, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। टेलिंग 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 टेलिंग। नजरें नीचे रख जाने मन, ऐसे देखती रहेगी तो प्यार कर बैठेगी। यू ये क्या हो रहा है पंजाब में? आज फिर पंजाब में एक बस जो बहादुरगढ़ से राजपुर जा रही थी, उस बस में एक लड़की पर जानलेवा हमला हुआ। उस लड़की का नाम मुस्कान बताया जा रहा है। उसके साथ एक और लड़की थी जिसका नाम है लैला कौर। मुस्कान की हालत काफी नाजुक है और उसे आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। Begin the proceedings. Your Honor, हम सब मानते हैं हर एक जुर्म के पीछे कोई वजह जरूर होती है, और बिना वजह के कोई जुर्म हो ये मेरी समझ से बाहर है। प्लीज कम टू द पॉइंट मिस्टर सूरी। योर ऑनर, आज मैं अदालत में वो गवाह पेश करने जा रहा हूं जिसकी गवाही के साथ इस केस की सारी कड़ियां एक एक करके सामने आ जाएंगी कि कत्ल की असली वजह क्या थी। योर ऑनर, मैं राजेंद्र सिंह बुमरा को विटनेस बॉक्स पे बुलाना चाहता हूं। योर ऑनर, इजाजत है। तुम कसम खाओ। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारा नाम? जी, राजेंद्र सिंह बुमरा। अच्छा, तुम सतवंत कौर को कैसे जानते हो? सतवंत कौर जी मेरी मामी लगती हैं। तुम्हारी सगी मामी थी? जी हाँ, सगी मामी। असल में उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो मुझे अपना बेटा ही समझती थी। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, ये उनके सगे रिश्तेदार हैं। एक बात बताओ, तुम सीरत कौर को कैसे जानते हो? मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। अच्छा, तुम डिटेल में बताओगे अदालत को? असल में मेरी मामी ने इनसे मिलवाया था। वो चाहती थी कि हम दोनों की शादी हो जाए, लेकिन मैं बैंगलोर में पिछले 6 महीने से जॉब कर रहा था जज साहब, इस वजह से इन दिनों मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन अभी 10 दिन पहले ही मुझे पता लगा कि इनकी मंगनी हो गई है, और फिर जब मैं पंजाब आया तो इस लड़की ने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। ये बात मेरी मामी को पता चली तो वो बहुत दुखी हुई, और इसी बात को लेके उनके साथ इनका झगड़ा हुआ। अब किसी को क्या पता था कि ये उनको जान से मार देगी। इसी ने उन्हें मारा है जज साहब, इसी ने उन्हें जान से मारा। इतना ही नहीं योर ऑनर, बातें और भी हैं। सीरत कौर की, जो सतवंत कौर अपने साथ ही ले गई, वो ऐसी बातें हैं जो सीरत कौर को समाज के सामने नंगा कर। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर सूरी, अपनी जबान को लगाम दे। शायद पैसा आपकी सारी शर्म है खरीद चुका है। योना, सीरत एक स्कूल टीचर है, वो किसी का खून नहीं कर सकती। शी इज एब्सोल्युटली राइट योर ऑनर, ये गोली नहीं चलाना चाहती थी, ये रंजीत की सहायता से उनको डराना चाहती थी। जब इनको पता चल गया कि बात बढ़ गई है और रंजीत पीछे हट गया है, तो इस बेचारी के सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये घबरा गई, कंफ्यूज हो गई, गलती से उस कंफ्यूजन में इसके हाथ से गोली चल गई, है ना सीरत कौर जी? मैंने ठीक कहा ना? हाँ?
नहीं, नहीं, नहीं। मुस्कान। मुस्कान, उठ जा मुस्कान। किसने किया ये? किसने मारा इसको? किसने मारा इसको? जिसने मेरी आंटी सतवंत कौर को मारा। रंजीत, रंजीत, हाँ, रंजीत ने मारा मुस्कान को। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? रंजीत कोर्ट में है। You know what? You know what? मुस्कान was pregnant. क्या? क्या बकवास कर रही है तू? तेरा दोस्त रंजीत मुस्कान के पेट में पल रहे बच्चे को मार देना चाहता था। क्या बकवास कर रही है तू? क्या बकवास कर रही है तू? हाँ। क्या बकवास कर रही है तू? तीन साल से तेरा दोस्त रंजीत भोली भाली मुस्कान का रेप कर रहा था और बेचारी मुस्कान किसी को बता नहीं रही थी अपने भैया के डर से। और वो परेशान थी कि अगर उसके भैया को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। ये क्या बकवास कर रही है तू? ये क्या बकवास कर रही है तू? तुझे यकीन नहीं हो रहा ना? देख ये ईमेल, देख ये ईमेल, इसमें साफ साफ सब कुछ लिखा है। तेरे दोस्त रंजीत ने इसका नंबर लव के नाम से सेव किया है। आया कुछ याद? आया कुछ याद? हाँ, देख, देख। नहीं, नहीं छोडूंगा मैं, नहीं छोडूंगा मैं रंजीत को, नहीं छोडूंगा मैं रंजीत को। मैं सबको बता दूंगा कि रंजीत ने कत्ल किया है सतवंत कौर का। रंजीत, तुझे तुझे नहीं छोडूंगा मैं। रंजीत ने गोली चलाई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा मैंने। रंजीत ने गोली चलाई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सबको बताएगा? कौन मानेगा तेरी बात? चुप, कौन मानेगा? चुप, चुप। सबूत है मेरे पास, ये देख। सबूत है मेरे पास, ये देखो, ये भी देख तू, ये भी देखो। रंजीत ने मारा है सतवंत कौर को। इधर दे। अच्छा, चलो अरेस्ट कर लीजिए इसे। चल। दोनों पार्टी की बातें एनालाइज करने के बाद जितने भी गवाह और सबूत सामने आए हैं वो ये बिल्कुल साबित नहीं करते कि गोली रंजीत ने चलाई थी। बस के अंदर जो भी आई विटनेस थे उनकी गवाही इस केस एक में। एक मिनट योर ऑनर। छोड़ो मुझे। आजा आजा। चलो जमीन में काट दूंगा तुझे। इसे विटनेस बॉक्स में लेकर आइए। छोड़ो मुझे। तुझे जिंदा काट दूंगा मैं। योर ऑनर, इस केस में अदालत को गुमराह किया गया है। योर ऑनर, ये देखिए, ये सबूत जो मैं पेश कर रहा हूं, ये लीजिए। योर ऑनर, ये वो इकलौता आई विटनेस है जिसने आज तक अदालत में सिर्फ झूठ बोला है। गुरदीप सिंह, रंजीत का दोस्त, जो उस वक्त बस में मौजूद था। ओए, इधर देख, रंजीत राणा ने मारा है सतवंत कौर को। इस रंजीत राणा ने मारा सतवंत कौर को। योर ऑनर, इस रंजीत राणा ने मारा है सतवंत कौर को। इस रंजीत राणा ने मारा जानवी को। इस रंजीत राणा ने मेरी बहन को भी मार डाला। योर ऑनर, ये फोटो मैंने खींची है बस के अंदर से।
यस योर ऑनर, मेरी बहन को भी मार दिया इसने, मेरी मुस्कान को मार दिया इसने, मेरी मुस्कान को मार दिया इसने। भैया, मुस्कान, 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 मुझे यकीन नहीं हो रहा मुस्कान, तू जिंदा है। मुझे माफ कर दीजिए भैया। तू जिंदा, मेरी बहन, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ कर दे मेरी बहन। थैंक यू मैम। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। I'm so sorry मुस्कान। चलो मुस्कान। योर ऑनर, मेरी बहन जिंदा है। योर ऑनर, मुस्कान जिंदा है। कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है ना कि तुम्हारी बहन जिंदा है, है ना? योना, मुझे सच को सामने लाने के लिए ये खेल खेलना पड़ा, मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा, मुझे इनकी ही भाषा में इन्हें जवाब देना पड़ा। सत्वंत कौर की मौत का सच सामने लाने के लिए मुझे मुस्कान को झूठ मूठ मारना पड़ा। कितना आसान होता है ना किसी औरत के खिलाफ केस जीतना। कुछ ना मिले तो कैरेक्टर उछाल दो। वाह मदन सूरी वाह, कमाल कर दिया तुमने तो। मैं सही कह रही हूं ना? योना, लड़कियां छोटे कपड़े पहन ले तो लड़कियों के कैरेक्टर पर शक किया जाता है। जो लड़की रात को घर लेट जाए तो लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। और लड़कियां अगर दो लड़कों से हंसकर बात कर ले तो ये लड़की तो बेशरम लगती है। और फिर जो लड़की अकेले बस में सफर कर ले तब भी उसके कैरेक्टर पर शक। ए लड़की, तू गंदे कैरेक्टर की है, तुझे अकेले बस में सफर नहीं करना चाहिए था। क्यों मिस्टर सूरी, सही कह रही हूं ना मैं? योना, इट्स हाई टाइम समाज की सोच को बदलना पड़ेगा। समाज में रह रहे लोग और यंग जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि दूसरी औरतें भी किसी की माँ बहन बेटी होती हैं। उन्हें यूज एंड थ्रो ना समझो। योना, मैं पीटीसी न्यूज का और सारे मीडिया का, पंजाब रोडवेज का, बस में बैठे सारे पैसेंजर्स का, पंजाब और हरियाणा के लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। शायद उन लोगों की मदद के बिना मैं ये केस नहीं जीत सकती थी। अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद सीरत आज जेल के अंदर होती। आज मेरी जानवी को इंसाफ मिल गया, आज मेरी जानवी को इंसाफ मिल गया। कोशिश कर लो मदन सूरी, कोई झूठ रह ना गया हो तेरी क्लाइंट को बचाने के लिए। योर विटनेस। मिस अमरजीत कौर, अदालत आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने सही वक्त पर झूठ को मात दे दी और सच की जीत हुई है। वी सैल्यूट यू। इस नए सबूत से ये पता चलता है कि रंजीत ने अपने हितैषियों के साथ मिलके इस केस को घुमाया और अदालत को गुमराह किया। ये अदालत सबसे पहले मिस सीरत को बाइज्जत बरी करती है। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत रंजीत राणा को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 302, 182 और 340 के तहत हत्या, सबूत मिटाने, कोर्ट को गुमराह करने और झूठे सबूत पेश करने का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है।
रंजीत राणा को पुलिस हिरासत में लेने का हुक्म देती है। ये अदालत तमाम झूठे गवाहों के प्रति सख्त कार्यवाही करने का आदेश देती है। कोर्ट इज अजर्न्ड। जितनी भी प्यारी प्यारी चीजें हैं जहान में, सबको समेटा रब ने सच मेरी जान में। जितनी भी प्यारी प्यारी चीजें हैं जहान में, सबको समेटा रब ने सच मेरी जान में। तेरी जुल्फ घटाओं का घेरा, चेहरा जैसे चढ़ता सवेरा। तेरी जुल्फ घटाओं का घेरा, चेहरा जैसे चढ़ता सवेरा। और कुछ भी ना तेरे बिन मेरा, मेरी जिंदगी जीने की आस है तू, मेरे दिल में रब का वास है तू, मेरी जन्म जन्म की प्यास है तू, मेरी जिंदगी के लिए बड़ी खास है तू। मेरी जिंदगी जीने की आस है तू, मेरे दिल में रब का वास है तू, मेरी जन्म जन्म की प्यास है तू, मेरी जिंदगी के लिए बड़ी खास है। तो तमन्ना मेरी कोई भी नहीं, मैंने सब पा लिया। तुझसे मिला तो मुझे ऐसा लगा जैसे रब पा लिया। और तो तमन्ना मेरी कोई भी नहीं, मैंने सब पा लिया। तुझसे मिला तो मुझे ऐसा लगा जैसे रब पा लिया। जो मैं देखूं तेरी अखियों में पानी, मेरी जान निकल है जानी। जो मैं देखूं तेरी अखियों में पानी, मेरी जान निकल है जानी। तुझे रखूंगा बना के सदा रानी। मेरी जिंदगी जीने की आस है तू, मेरे दिल में रब का वास है तू, मेरी जन्म जन्म की प्यास है तू, मेरी जिंदगी के लिए बड़ी खास है तू। मेरी जिंदगी जीने की आस है तू, मेरे दिल में रब का वास है तू, मेरी जन्म जन्म की प्यास है तू, मेरी जिंदगी के लिए बड़ी खास है। जहान में सबको समेटा रब ने सच मेरी जान में। जितनी भी प्यारी प्यारी चीजें हैं जहान में, सबको समेटा रब ने सच मेरी जान में। तेरी जुल्फ घटाओं का घेरा, चेहरा जैसे चढ़ता सवेरा। तेरी जुल्फ घटाओं का घेरा, चेहरा जैसे चढ़ता सवेरा। और कुछ भी ना तेरे बिन मेरा, मेरी जिंदगी जीने की आस है तू, मेरे दिल में रब का वास है तू, मेरी जन्म जन्म की प्यास है तू, मेरी जिंदगी के लिए बड़ी खास है तू। मेरी जिंदगी जीने की आस है तू, मेरे दिल में रब का वास है तू, मेरी जन्म जन्म की प्यास है तू, मेरी जिंदगी के लिए बड़ी खास है तू। मेरी जिंदगी जीने की आस है तू, मेरे दिल में रब का वास है तू, मेरी जन्म जन्म की प्यास है तू, मेरी जिंदगी के लिए बड़ी खास है तू। मेरी जिंदगी जीने की आस है तू, मेरे दिल में रब का वास है तू, मेरी जन्म जन्म की प्यास है तू, मेरी जिंदगी के लिए बड़ी खास है।